हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीएन मंडल के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर इस साल 2023 में पार्ट वन या पार्ट टू का रिजल्ट आया है तो आप लोग अपना मार्कशीट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले अपना किसी भी चीज़ का लैपटॉप या मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद क्रोम में आप लोग को सर्च मारना BNMU। BNMU सर्च मारने के बाद आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करते ही फर्स्ट वाला लिंक पे BNMU पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने क्या रिजल्ट आया। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ चौथा नंबर में आपको एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म के बाद एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट क्लोज, यहाँ स्टूडेंट पोर्टल आ रहा है चार नंबर में। पाँचवा नंबर पे स्टूडेंट पोर्टल पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आप लोगों को थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोग जो ऑनलाइन पार्ट वन में जो एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय में जो जिस भी कैफ़े के पास आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, उस फॉर्म फिलअप होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया था, जिसे हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म का नाम से यूज़र आईडी भी बोला जाता है। उस यूज़र आईडी को ही या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर पर ही फिलअप करना है। तो चलिए हम अपना खुद का अपना यूज़र आईडी यहाँ फिलअप कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना यूज़र आईडी ही फिलअप करना है। फिलअप करते ही तो आप लोग अपना जो भी यूज़र आईडी होगा वो यहाँ फॉर्म पे, मतलब यूज़र आईडी में डाल दीजिएगा। डालने के बाद अच्छा ढंग से डाल लीजिएगा। डालने के बाद मिला लीजिएगा, जिससे रिजल्ट देखने में कोई परेशानी ना हो, परेशानी ना हो। इसके बाद ही फिर नीचे में आप लोगों को सेकेंड वाला में पासवर्ड डालना है, जो ऑनलाइन करने के बाद जिस भी कैफे पे आप लोगों ने ऑनलाइन किया होगा उस कैफे पे यहाँ इंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ है, इसी पे आप लोगों को पासवर्ड डालना है। जो भी पासवर्ड आप लोगों ने ऑनलाइन करने वक्त दिया होगा वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया होगा। वो आप अपना ऑनलाइन रसीद पे जाके देखे, जो कैफे वाला से आप लोगों ने ऑनलाइन करवाए थे उसी कैफे वाला ने आप लोगों को दिया होगा ये पासवर्ड। तो चलिए हम अपना पासवर्ड फिल कर देते हैं। आप लोग भी अपना पासवर्ड यहाँ फिल कर दीजिएगा। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ कैप्चा डाल दीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद आप लोग भी अपना वहाँ, आप लोगों को कैप्चा फिल करने के बाद थोड़ा देर वेट करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नीचे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। लॉगिन करते ही, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, थोड़ा देर वेट करेगा। वेट करते ही आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, लॉगिन होने में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, इंटरनेट ही स्लो चल रहा है। लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने की प्रोसेस की प्रक्रिया को आप लोग देखें। जैसे आप लोग लॉगिन होते ही देखिए, लॉगिन होने के बाद आपका जो भी रहेगा यह पूरा डिटेल खुल जाएगा आपका। देखिए इधर प्रोफाइल भी दिख रहा है। प्रोफाइल होने के बाद यहाँ नीचे में आप लोगों को माई प्रोफाइल एग्ज़ाम, ये भी किसी का भी खोलेगा दिखेगा आपको। यहाँ चौथा नंबर में मिल रहा है माई प्रोफाइल एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड फॉर्म। यहाँ आप लोग को डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये चौथा वाला नंबर पे डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये चौथा वाला, फर्स्ट वाला देखिए फिर से आप लोग को हम बता रहे हैं, माई प्रोफाइल एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करना है। डाउनलोड रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद ही आप लोगों को सेशन 21-22 जो भी होगा, आप लोग को रोल नंबर और रिजल्ट डिक्लेयर डेट भी बताया होगा। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन करते हैं। चलिए आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा क्रोम ब्राउज़र से। क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड होने के बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ड्राइव ओपन होगा। ड्राइव पे यहाँ व्यू व्यू पे क्लिक कीजिएगा। ड्राइव पे यहाँ आप लोगों के सामने रिजल्ट निकल के तैयार है। तो चलिए आप लोगों को दिखा दे रिजल्ट निकाल के। तो आप लोग भी इसी प्रोसेस के माध्यम से आप लोग भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो को आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जाके बताएंगे।
आपका राय कैसा है। धन्यवाद। जय हिंद।